जय माता की सभी संगत को। तो 4 अगस्त 2024 को हरियाली अमावस्या मनाई जा रही है, यानी कि सावन की अमावस्या। और इस अमावस्या पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या क्या आप अमावस्या पे कर सकते हो, किस प्रकार से अपने पितरों का आशीर्वाद आप पा सकते हो, और किस प्रकार से आप कोई नया मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, तो किस प्रकार से नया कार्य अगर आरंभ करना है तो इसका मुहूर्त क्या रहता है, और इसमें आप अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नए मंत्र की सिद्धि करना चाहते हो, कोई अपने देवी देवता के निमित्त कोई कार्य करना चाहते हो, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक सुने, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में लेकर के आए हैं। तो 4 अगस्त 2024 को सावन की अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। सबसे पहली बात तो जो शिव उपासक हैं उनको शिव भोले का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी बात, जिनके घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है उनको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो पितरों के लिए क्या करते हैं, जैसे आप प्रति महा अमावस्या निकालते हैं, जो लोग भी निकालते हैं जिनकी बात है, वो अपने पितरों के निमित्त खीर बना करके उनको भोग जरूर दें, और शाम के समय अपने पितरों के लिए एक दिया जरूर लगाएं जब सूर्यास्त हो। इससे क्या होगा कि आपके पितर प्रसन्न होंगे। अपने पितरों के लिए कल के दिन यानी कि अमावस्या के दिन आप पौधारोपण भी कर सकते हैं, यानी कि कोई बेलपत्र का पौधा लगा सकते हो, पीपल का, बड़ का, क्योंकि अभी बहुत सारे पौधे लगे हैं सावन के महीने में, और सावन का महीना जो है पौधारोपण के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। दूसरी बात, यानी कि जो लोग आध्यात्मिक जागृति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यानी कि अपने मंत्रों के जागरण के लिए, अपने घर में जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, आर्थिक तंगी है आपको, शारीरिक समस्याएं हैं, आपके देवी देवताओं की कृपा आपको नहीं मिल पा रही है, पितरों की कृपा नहीं मिल पा रही है, कुल देवी आपसे रुष्ट है, आप कोई मंत्र जागृत करते हैं पर मंत्र का प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई भी मंत्र अगर जागृत करना हो तो उसके लिए जो पुष्य नक्षत्र होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इस बार हरियाली अमावस्या पे रवि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। तो ये योग आप सुबह 5 बजे से दोपहर के 1 या 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी नया मंत्र अगर सिद्ध करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं आगे सेवा उठाना चाहता हूं और मेरा मंत्र सेवा हो जाए, जो लोग चौकी दरबार लगाते हैं वो कोई नए देवता का मंत्र अगर जागृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस मुहूर्त में जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस मुहूर्त में किया गया मंत्र जाप जो बेहद फलदायी होता है और आपका मंत्र जो है जागृत हो जाता है। मंत्रों को जागृत करने के लिए हमेशा बताते हैं कि नक्षत्र और योग जो होते हैं वो बनते हैं, और साथ साथ जैसे रवि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए ताकि आप किसी भी समय से ही मंत्र जाप करने ना बैठ जाएं। तो जिन बच्चों को मैंने पहले से बोल रखा है कि आप अमावस्या तिथि में ज्योत जला करके अपने मंत्र का एक बार जाप जरूर करें, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि को भी आप मंत्र जाप कर चुके हैं और उसी के साथ साथ पुष्य नक्षत्र योग भी आपके लिए बन रहा है, तो आपके लिए 2 रात्रि आपको मिलेंगे मंत्र जाप के लिए। रवि पुष्य नक्षत्र में अमावस्या तिथि 4 अगस्त को मनाई जाएगी, तो 4 अगस्त आप सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक अपने किसी भी मंत्र का जाप कंटिन्यू कर सकते हैं, उस मंत्र को जागृत करने के लिए। फिर छोटा सा हवन आप करें, चाहे गुड़ घी से ही कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो जो रवि पुष्य नक्षत्र योग होता है इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई आप अगर गाड़ी घोड़ा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, कोई भी नया कार्य, कोई आभूषण आपको बनवाना है, क्योंकि इस योग के बाद जो है विवाह के लिए जो मुहूर्त थे, जो कहते थे ना कि तारा डूबा हुआ है यानी कि तारा अभी अस्त है, तो वो अभी उदय होने वाला है, उदय हो चुके हैं कुछ जो तारे होते हैं, हमारे नक्षत्र जो है शुभ हैं। इन नक्षत्रों के हिसाब से कहते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र में एक विवाह नहीं करना चाहिए, पर विवाह के लिए जो भी आप भौतिक वस्तुएं हैं, सामान इत्यादि हैं, आभूषण है, भूमि है, गाड़ी है, वो खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। ये बहुत ही अच्छा योग लेकर के आता है आपके लिए। और हरियाली अमावस्या पे अगर कोई व्रत भी करना चाहता है तो अपने पितरों के निमित्त वो व्रत भी कर सकते हैं। सावन की अमावस्या है, शिव भोले का आशीर्वाद पितरों के निमित्त आपको जरूर मिलेगा। तो भगवान भोले शंकर की अमावस्या तिथि पर भी जरूर आप जा करके उनको जल अर्पित करें, काले तिल डाल करके जल अर्पित जरूर कर सकते हैं। भगवान शिव आपके पितरों को जो है पोषित करते हैं,
और पुष्य नक्षत्र का इतना महत्व क्यों माना जाता है, कि पुष्य नक्षत्र में मंत्र जागृत करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं। ये नक्षत्र, इसका नाम ही पुष्य है, यानी कि पोषण करने वाला, यानी कि किसी भी चीज़ को फलने फूलने में मदद करने वाला नक्षत्र होता है। तो इस नक्षत्र में जो बच्चा पैदा हो जाता है, देखो वो भी बहुत ही अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का बनता है, यानी कि लोगों की सेवा में उसका मन लगता है, अच्छे विचारों वाला और भगवान में विश्वास करने वाला वो बच्चा होता है। अगर किसी का रवि पुष्य नक्षत्र या किसी भी पुष्य नक्षत्र योग में जो है बच्चा पैदा हो जाता है, तो इस अमावस्या तिथि को रवि पुष्य नक्षत्र योग जो है बन रहा है, और आप लोग कर सकते हैं अपने मंत्रों का जागरण। तो जिनके पास मंत्र नहीं है वो मंत्र ग्रहण भी कर सकते हैं, किसी भी देवी का, किसी भी देवता का। जैसे कहीं बच्चे मदान वाली माता का मंत्र मांगते हैं तो मंत्र ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको मंत्र देंगे, मंत्र की दक्षिणा दे करके आप मंत्र प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब तक मंत्रों की दक्षिणा नहीं दी जाती, देवता को भोग प्रसाद नहीं लगता, उस मंत्र में जो है चैतन्य नहीं आता है। क्योंकि जिस देवी देवता का वो मंत्र होता है, अगर उसको आप जपते हैं, जाप करते हैं, जाप करने के लिए आपको चैतन्य उसको करना पड़ेगा, और चैतन्य वो तभी होगा जब उसका भोग प्रसाद किसी शुभ नक्षत्र में, किसी शुभ योग में दिया जाएगा। तो अगर मंत्र जागृत आप करना चाहते हैं, माता चौगान वाली का मंत्र ले सकते हो, सबल सिंह बावरी का मंत्र ले सकते हो, अमावस्या के दिन ज्योत जला करके आप मंत्र ग्रहण करके अमावस्या तिथि को पुष्य नक्षत्र योग में सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का बहुत ही आपके पास कई घंटे का आपको समय मिल जाता है, तो आप माला उतार सकते हो। एक माला भी अगर आपने इसमें जप ली, बिना नींद आए, बिना आसन पर बैठे, बिना बू आए, बिना अपने मतलब कि कोई भी आपको, जब आप जाप करते हो अगर आपको बार बार उबासी आ रही है, आंखों से पानी टपक रहा है, तो आपको वहीं पे जाप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जाप खंडित हो जाता है। और फिर थोड़ी सी देर के बाद आप मुंह धोकर, हाथ धोकर दोबारा से मंत्र जाप शुरू करें, क्योंकि उबासियां आना जो है मंत्र को खंडित करता है, उसका प्रभाव आपको नहीं मिल पाता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जानकारियों का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग फ़ायदा उठा सके छोटी छोटी बातों का, जो आप तक जानकारी नहीं पहुँचते।